हाय गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 डिफरेंट हेयर स्टाइल फॉर साड़ी। आप इन्हें किसी भी इंडियन आउटफिट्स पे ट्राई कर सकते हो गाइस, ये बहुत अच्छी लगेंगी। आप इन्हें छोटे मोटे पार्टी फंक्शन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही यूनिक हेयर स्टाइल मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। एंड अगर अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हम अपने हेयर को कॉम करेंगे ताकि हमारे सारे जो हेयर्स हैं वो सुलझ जाएं एंड हमें हेयर स्टाइल बनाने में काफ़ी ईजी रहे। अगर हम उलझे बालों में हेयर स्टाइल बनाते हैं तो ऑब्वियसली गाइस अच्छी नहीं बनती हैं, मतलब बिगड़ जाती हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बाल सुलझाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम हेयर स्टाइल वन में गाइस हाई पफ बनाने का मैं आपके साथ एक बहुत सिंपल हैक बताऊंगी, जिसे आप मतलब बिना हेयर पिन वगैरह के सिंपली एक रबर बैंड से आप हेयर बैंड बना सकते हो, मतलब हाई पफ बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें अपने बालों को इस तरह से ऊपर की तरफ उठाना है, जैसे हम पफ बनाने के लिए अपने बालों को उठाते हैं उस तरीके से। फिर आपको एक सिंपल पतली वाली रबड़ लेनी है, जो पतली वाली रबड़ बैंड होती है इस तरह की, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, उसे एक चोटी की तरह हम बना लेंगे, उससे अपनी हेयर्स को। एंड गाइस, रबर बैंड से हाइप अप बनाने के लिए आपको जो चोटी बनानी है थोड़ी लूज बनानी है। अगर आपकी टाइट बन भी गई है तो थोड़ा सा उसे लूज कर दें। उसके बाद थोड़ा सा इस तरीके से आगे खींचें, मतलब हाइप अप बनाने के लिए थोड़ा आगे की तरफ पुश करना होता है। फिर हम एक क्लचर लगा लेंगे। क्लचर हम जो लगाएंगे वो टाइट होना चाहिए। गाइस, मैंने ये वाला क्लचर लगाया था, ये मेरा थोड़ा सा लूज था इसलिए मैंने बाद में क्लचर अपना चेंज किया है। आप देख सकते हो जो हमारा हाई पफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। तो ये है गाइज हमारा हाई पफ हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छा लगा हो। हाई पफ हेयर स्टाइल गाइज शॉर्ट हाइट वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, मतलब हाइट थोड़ी सी अच्छी निकल के आती है। एंड गाइज, अगर आपका फेस जो है गोल है तो भी आपके फेस पे हाई पफ बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड हेयर स्टाइल। सेकंड हेयर स्टाइल के लिए आपको दोनों साइड से बराबर बाल लेने हैं इस तरह से। हमने जो पफ बनाया था वो हम रहने देंगे, बट हमने जो क्लचर लगाया था वो हम निकाल देंगे। दोनों साइड से हम बराबर बाल ले लेंगे। दोनों साइड के बालों को पकड़ के हम पीछे की तरफ एक चोटी बना लेंगे। इसकी भी बहुत ज़्यादा लूज चोटी हमें बनानी है, बिल्कुल भी टाइट नहीं बनानी है, काफ़ी ज़्यादा लूज चोटी बनानी है। उसके नीचे बनाएंगे जो हमने पफ बनाया था उसके थोड़ा सा नीचे हम चोटी बनाएंगे। तो चलिए हम पहले चोटी बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ सेकंड स्टेप शेयर करूंगी। तो देखिएगा, चोटी हमारी बन चुकी है। अब हमें अपनी इस चोटी में जो हमने सेकंड चोटी बनाई थी उसमें एक ट्विस्ट देना है। ट्विस्ट देने के बाद जो हमने पफ के लिए चोटी बनाई थी उसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे इस तरह से, नीचे से थोड़ा सा टाइट कर देंगे ताकि हमारा जो फाइनल लुक है वो काफ़ी अच्छा निकल के आए, फिनिशिंग बनी रहे उसमें। आप देखोगे मैंने बिना हेयर पिन के कितनी अच्छी हेयर स्टाइल बनाई है। अगर आप भी बनाना चाहते हो तो आप ये स्टेप जरूर फॉलो करें। अब थोड़ा सा हम टाइटली खींचेंगे अपनी नीचे वाली चोटी को, थोड़ा सा कॉम कर लेंगे ताकि हमारे जो बाल हैं वो अच्छे से बिखर के आए, बिल्कुल एक एक बिखरे हुए हों। सारे बाल सुलझाने के बाद हमारी हेयर स्टाइल यहीं कंप्लीट होती है। तो गाइस, आपको कौन सी हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। काफ़ी इजी हेयर स्टाइल मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें गाइस। हो सके तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी हेयर स्टाइल थ्री। हेयर स्टाइल थ्री गाइस मैं आपके साथ बहुत सिंपल सिखाने वाली हूँ। इसमें मैं आपके साथ साइड पफ बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम अपने बालों को कॉम करेंगे, बिकॉज गाइस हमने जो पहले हेयर स्टाइल बनाई थी वो हमने खोली थी, तो इस वजह से हमारे बाल थोड़ा सा उलझ गए थे। अब सारे बालों को सुलझाने के बाद हम इस तरह से अपने बालों को उठाएंगे, साइड से पार्टीशन कर लेंगे पहले हम अपने बालों में। एंड उसके बाद इस तरह से उंगलियों की मदद से हमें अपने बाल उठाने हैं एंड एक राउंड देना है, मतलब इस तरह से ट्विस्ट देना है। एंड फिर उसके नीचे से थोड़ा सा बाल उठाने हैं, उनको उसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। गाइस, साइड पर बहुत अच्छा बनता है।
आप देख सकते हो गाइस मेरे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा सिल्की बाल हैं, बट फिर भी मेरा जो पफ है वो कितना अच्छा निकल के आया, बिल्कुल हाई पफ निकल के आया। वो इसीलिए निकल के आया, मैंने यहाँ कंघे का यूज़ नहीं किया है, मैंने अपनी उंगलियों का यूज़ किया है। अगर आप भी साइड पफ बनाना चाहते हो, काफ़ी अच्छा मतलब हाई पफ बनाना चाहते हो, तो आप अपनी उंगलियों का यूज़ ज़्यादा करें, कंघे का यूज़ ना करें। कंघे से गाइस बाल हमारे चिपक जाते हैं। अब हम सेकंड साइड भी सेम तरीके से अपना हाई पफ बना लेंगे, यही हमारा थर्ड स्टाइल लुक भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। हेयर स्टाइल बनाने के बाद हम थोड़ा सा अपने हेयर्स को कॉम करेंगे एंड यही हमारा फाइनल लुक कंप्लीट होता है। तो गाइज कैसा लगा मेरा फाइनल लुक आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गाइज आपको कौन सी हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छी लगी आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी हेयर स्टाइल फोर्थ की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल के लिए भी सबसे पहले हम अपने हेयर्स को कॉम करेंगे, बिकॉज अगर हम बार बार हेयर स्टाइल बना के मैं ओपन करती हूँ तो थोड़ी सी बाल मेरे उलझ जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हेयर स्टाइल बनाने से पहले कंघा करना जरूरी है। अब इसके बाद हमें इस तरीके से अपने बाल उठाने हैं, मिड पार्टीशन करना है, उसके बाद हमें अपने बाल उठाने हैं साइड से, इस तरीके से राउंड देना है। गाइज आपको इसी तरह से राउंड देना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, जहाँ से हमें राउंड देना स्टार्ट करना है वहाँ के बालों को हम दो पार्टीशन में बांट लेंगे एंड उसके बाद दोनों को इस तरीके से रस्सी बुनते हैं, उस तरीके से हम रस्सी की तरह बुनेंगे। इस तरह से गाइज हेयर स्टाइल का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा एंड बहुत ही नीट एंड क्लीन निकल के आएगा। सेम स्टेप को गाइज हम 4 बार करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ अगले स्टेप पर आती हूँ। तो देखिएगा चारों चोटियां हमने बना ली हैं। अब इसके बाद इन्हें इस तरह से पकड़ेंगे एंड बहुत ही छोटा सा क्लचर लगाएंगे, या फिर आप क्लिप का यूज़ भी कर सकते हो, बट जो क्लचर होता है गाइस वो काफ़ी टिकाऊ होता है, मतलब काफ़ी देर तक हमारी चोटी ख़राब नहीं होती, हेयर स्टाइल हमारी ख़राब नहीं होती, इसलिए मतलब मैं तो टाइट वाला क्लचर लगाती हूँ, बिकॉज गाइस मेरे जो बाल हैं वो थोड़ा सा हल्के हैं। अगर आपके बाल घने हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा क्लचर यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको वो क्लचर यूज़ करना है जो आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा टाइट हो। तो गाइज ये हमारी हेयर स्टाइल फोर्थ का फाइनल लुक, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। गाइज आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, गाइज आप मुझे कमेंट करते हो तो मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है।
हेयर स्टाइल 5 के लिए गाइस हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमने जो हेयर स्टाइल बनाई थी हम उसके नीचे बस हम हाफ वन बनाएंगे, यही हमारा जो हाफ वन हेयर स्टाइल वो कंप्लीट हो जाएगा। इसे हम क्लचर की मदद से ही सिक्योर कर लेंगे हमारे जो बन बनाया हमने उसे, एंड साइड में अगर हमारे बाल एक्स्ट्रा रहते हैं तो हम उसमें एक क्लिप लगा लेंगे, जो बन वाली क्लिप होती है हम उनका यूज़ करेंगे। तो ये है गाइज हमारी हेयर स्टाइल 5 का फाइनल लुक, आई होप आपको अच्छा लगा हो। गाइज आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, एंड कैसी लगी आपको सारी हेयर स्टाइल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।